शांति आज की तारीख है तेरा पांच तेईस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो लक्ष्य ब्रांड का साबुन आता है ना तो बाबा कहते हैं लक्ष्य सोप अभी हमारा यहाँ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पकड़ करके और बाबा की याद में हमें अपने मैले कपड़ों को साफ करना है अर्थात आत्मा को पतित से पावन बनाना है पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को भी कराओ प्रश्न है कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है और कैसे उत्तर है ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है क्योंकि इससे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं पतित से पावन बन जाते ये जादूगरी सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं बाबा कहते बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं के राजा बनेंगे आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा और पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा जय ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं गीत बजा है आज अंधेरे में है हम इंसान ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु नंबर एक अंतमति सोगति तो उसके लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुंह मोड़ लेना है अपने स्वीट होम साइलेंस होम को याद करना है नंबर दो सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है तन मन धन सब इंशोर करके फॉलो फादर करना है वरदान सतगुरु शिव पिता का हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी क्या है तो बाबा कहते निशानी है पार किया माना उपराम बना जो उपराम बनता है तो समझ लेने का इसने पार किया उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है वे उड़ता पंचीवन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और ये उड़ा कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं सदा स्वतंत्र होंगे स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूप से धोखा नहीं खाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति